जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप मस्त होंगे, बेस्ट होंगे और आप अपनों के साथ जहाँ कहीं भी होंगे खुशहाल होंगे और रहना भी चाहिए। दोस्तों, आज हमारी आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतर पॉइंट है, जिससे कि आप ये वीडियो जब पूरा देख लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे और एनालिसिस करेंगे तो लास्ट में आपको निचोड़ मिल जाएगा कि आपको इस वीडियो से क्या मिला, राइट? बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है मेरे दोस्तों। जैसा कि आप, मुझे लगता है हिंदुस्तान का वो प्रत्येक नौजवान अपने दैनिक जीवन का 3 से 4 घंटा वो इंटरनेट या ऑनलाइन की दुनिया में अपना समय वो इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो उससे कुछ बेनिफिट्स ले पाए या नहीं ला पाए। जैसे कि आप फेसबुक चलाते हैं, आपके 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 आपके फ्रेंड होंगे, बहुत अच्छी फैंस फॉलोइंग है, फ्रेंड सर्किल अच्छा है, आप बहुत कुछ वहाँ सीखते हैं, सिखाते हैं। आपका दोस्तों ट्विटर है, उसमें भी आप बहुत कुछ सीखते और सिखाते हैं। इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम आपका दोस्तों है, यूट्यूब आपका है, मैसेंजर है आपका मेरे दोस्तों, व्हाट्सएप है। इस प्रकार से कोई भी ऐप हो तो इट मीन्स आप ये वीडियो देख के भी सोच रहे होंगे या सोचना कि आपका सचमुच जो भी आप प्रतिदिन अपना 1.5 GB, 2 GB, 3 GB का डाटा पैक डलवाते हैं या रिचार्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका 80% इस्तेमाल तो केवल और केवल मात्र ऐसे ही बिना किसी वजह के, बिना किसी बेनिफिट्स के आपका चला जाता है। तो मेरा कहना यह है मेरे दोस्तों कि सोशल मीडिया से लोग पैसा कमा रहे हैं, आपसे लोग बेनिफिट ले रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो मालिक है वो कहीं ना कहीं आपसे लाखों करोड़ों अरबों रुपए अर्न कर रहा है और आपका यहां धन भी जा रहा है और आपका यहां पे समय भी जा रहा है। उसके साथ ही साथ दोस्तों आप कुछ कमाने के बजाय और गंवा दे रहे हैं। तो क्यों ना हम इस 2022 के युग में इंटरनेट डिजिटल इंडिया में ऐसा कुछ मैं भी दिमाग लगाऊं, कुछ सोचूं, ज्यादा नहीं आधा एक घंटा ही अगर सोशल मीडिया पे आप अपने लिए कोई ऐसा बिजनेस क्रिएट करें, ऐसी कोई प्रोफाइल क्रिएट करें जहां से आपको लर्निंग के साथ साथ, एंजॉय के साथ साथ थोड़ा अर्निंग भी आ जाए तो कितना बढ़िया बात रहेगा दोस्तों। एक आम इंसान और एक खास इंसान में फर्क यही होता है कि आप जितने स्टार हैं, जितने ब्रांडेड हैं, जितने बिजनेस ऑनर, जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने सफल सक्सेस यूट्यूबर हैं, कहीं ना कहीं वो लोग अपना एक्टिविटीज करके हम ही आप लोगों से पैसा लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं और हम देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, मनन विचार विमर्श करते रहते हैं, अंततः हमारा अर्निंग के बजाय दोस्तों लॉस हो जाता है। तो अब वो जमाना नहीं है 2002 का, 2005 का, 1990 का, 1995 का, अब डिजिटल इंडिया चल रहा, 2022 चल रहा। आप थोड़ा भी अगर क्रिएटिव माइंड लगाएंगे, थोड़ा सा भी अगर सीरियस हो जाएंगे दोस्तों, आपके अंदर जो योग्यता है, जो क्वालिटी है, उसको आप प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स, लर्निंग के साथ साथ अच्छा अर्निंग कर सकेंगे दोस्तों और सेल्फ डिपेंडेंट बन सकेंगे। 95% केस में पाया गया है सोशल मीडिया पे कि लोग पैसा नहीं कमाते, पैसा और खर्च करते हैं। उस समय का, उस इंटरनेट पैक का कोई फायदा नहीं, नुकसान उठाते हैं, जो कि दोस्तों आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है, जो भी आपके बेल विशेष शुभ चिंतक हैं, जो भी आपके जानने पहचानने वाले हैं, उन्हीं दोस्तों के बीच में बस थोड़ा सा सीरियस क्रिएटिव माइंड लगाना है या सोच के कि हमें एंजॉय के साथ साथ
थोड़ा सा बिजनेस की बात कर लेना है, थोड़ा सा अपने कैरियर प्रोफेशन की बात कर लेना है, जहां से हमें कुछ ना कुछ अर्निंग हो पाए। तो दोस्तों, ना तो कोई इन्वेस्टमेंट है, ना ही कोई रिस्क है, ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई डिग्री है, और मैं अपनी तरफ से आपको सजेशन दे रहा हूं कि ना ही कोई आपको एक्स्ट्रा समय मैनेज करने की जरूरत है। जो भी आपकी डेली की लाइफ स्टाइल है, जो भी आपका डेली का रूटीन है, जो भी दैनिक जीवन का आपका रोजमर्रा की जिंदगी जीने का अंदाज है, आप जॉब कर रहे हैं या आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या आप व्यापार कर रहे हैं या आप खेती किसानी करते हैं या जो भी किसी प्रोफेशन में आप हैं, आप अपने प्रोफेशन को बिल्कुल वरीयता दीजिए, उस पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, उस काम को छोड़ना नहीं। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आप 4 से 5 घंटा सोशल मीडिया पे अपना आप वेस्ट करते हैं बिना किसी वजह के, बिना किसी बेनिफिट्स के, और प्लेटफॉर्म है ही ऐसा, आदमी कोई छोटा सा इन्फॉर्मेशन लेने चलता है इंटरनेट पे, दूसरा ऐड आ गया, तीसरा ऐड आ गया, ऐसे करके पता चलता है कि उसका सुबह जब तक आंख उसकी जैसे खुलती है वो तुरंत मोबाइल चेक करता है, फेसबुक कितना है, व्हाट्सएप कितना है, क्या है क्या नहीं है। शाम को दोस्तों अंततः आप देखना, अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप ये महसूस करना, मेरे भी एक्सपीरियंस में चीजें हो पा रही हैं, बहुत कोशिश करता हूं तो जाके कभी कभी मैनेज होता है, तो अक्सर ये हो जाता है जब तक इंसान सो नहीं जाएगा, उसकी आंखें बंद नहीं हो जाएंगी, गहरी नींद नहीं आ जाएगी, तब तक वो अपना मोबाइल अपने से दूर नहीं रखता है। क्यों भाई? क्योंकि आज मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया जरूरी नहीं दोस्तों, हर एक इंसान के जीवन का एक अहम मजबूरी बन गया है इस्तेमाल करना। तो हम सोशल मीडिया को छोड़ नहीं सकते, मोबाइल को हम छोड़ नहीं सकते, दोस्तों के बीच हमारे जो फैंस फॉलोइंग, जो फ्रेंडशिप है, उसको हम ब्लॉक या उससे हम दूरी बना नहीं सकते। तो बस उसी में थोड़ा सा आपको सोने पे सुहागे वाली बात मेरे दोस्तों, 100% आप जिस भी प्रकार से इतना समय खर्च करते हैं सोशल मीडिया पे वो कीजिए, उसी में से 10% अपना समय, अपना इंटरनेट का पैक या अपनी सोच या माइंडसेट में ये बात मेंशन कीजिए, ये बात फिट कीजिए कि अब इसी लाइफस्टाइल में, इसी 100% के अंदर 10% मुझे अपने बिजनेस की बात कर लेना है। कोई कहने में क्या जाता है, आप सोचते हैं, समझते हैं, मनन करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, ऐसा हो जाएगा तब होगा, ऐसा हो जाएगा तब हो जाएगा, और पता चलता है कि आपका डे बाय डे, मंथ बाय मंथ काफी समय बीत जाता है। तो जो भी आपके अंदर प्लानिंग है, प्रोजेक्ट मेरे दोस्तों, प्रेजेंट करो, लोगों से कहना सीखो, एक बार, दो बार होगा, तीन बार होगा, चार बार होगा, ऐसा नहीं कि 10 बार आपको कोई इंटरेक्ट नहीं करेगा, 10 बार आप फेल के फेल ही रहेंगे, बेटर 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 से बेटर आपको रिस्पॉन्स आता रहेगा। लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्रूव योर सेल्फ, कहा गया दोस्तों, अगर खुद को विकसित करना है, एक अच्छा सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट मंजिल को हासिल करना है तो कहीं ना कहीं उसके लिए लर्निंग करना बहुत जरूरी है, और लर्निंग करेंगे दोस्तों तभी आप बड़ा कुछ कर पाएंगे। तो आप के देश में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है, आज देश विदेश से लेके, गांव से लेके शहर तक, वो हर एक व्यक्ति, हर एक नौजवान कहीं ना कहीं वो नकारात्मक तरीके से सुना है, नकारात्मक उसकी विचारधारा है, या वो काम नहीं किया है किसी को सुन सुना के वो ऐसे ही, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग नाम सुनने का, ऐड होने का मोहताज नहीं मेरे दोस्तों। तो इट मीन्स आप इसके लिए बस सही तरीके से, सही समय पर, पूरी ईमानदारी से अपने लोगों के साथ आप डिस्कस करें, अपनी भावनाओं को आप प्रेजेंट करें, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस इंडस्ट्री में ना तो आपका कोई पैसा खर्चा हो रहा है, ना तो कोई आपका टाइम खर्चा हो रहा है, और ना ही दोस्तों आपका अपना प्रोफेशन सूट रहा है। आप पार्ट टाइम ही कीजिए, इंजॉय के साथ कीजिए, 10% ही समय दीजिए, लेकिन दीजिए अपनी कंपनी का, अपनी इंडस्ट्री का, अपनी भावनाओं का, अपने क्रिएटिव माइंड का, अपनी सोच का, अपने प्लानिंग प्रोजेक्ट का, कि हम सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करें, उन्हीं दोस्तों से,
उन्हीं फ्रेंड से, उन्हीं नियर डियर रिलेटिव से अपना बिजनेस कैसे क्रिएट करें, सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बने मेरे दोस्तों। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आप सोचिए, समझिए। और आज इंसान जान रहा है तो आप अब आज के बाद 10% इस्तेमाल कीजिए अपने समय का, अपने इंटरनेट पैक का, अपनी सोच का। धीरे धीरे करके जैसे जैसे तो आपको रिजल्ट आता जाएगा, ठीक उसी प्रकार से आपने टाइम का स्पेंडिंग बढ़ा देना। पहले 10% करना, फिर 12 करना, फिर 15 करना, फिर 20 करना। रिजल्ट आएगा, रिस्पॉन्स आएगा तो करना, मेरे कहने से नहीं। और नो डाउट दोस्तों 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, आपको रिजल्ट 100% आएगा। तो आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने साथ शेयर करें। आपकी जो भी लाइफ स्टाइल है उसी लाइफ स्टाइल में, उसी धुन में दोस्तों जीते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और साथ ही साथ सेल्फ स्टैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर 10% भी टाइम खर्च करेंगे तो आने वाले वक्त में एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा टीम, वो भी टोटल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा दोस्तों आप बहुत बड़ा एम्पायर, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करके अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। सेल्फ स्टैंड, बेटर स्टैंड, ऑल द बेस्ट।